कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। हटा दिया ना तुमने मुझे। असीम बकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए? बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। योगी जी ने ये बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, अब ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्होंने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, वादा था सर। उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिक भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, वकार आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, चलेगा इतना चलेगा, मुझे ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। मुझे बोलने, अरे मुझे बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूँ और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, दीपक चौरसिया जी मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुँचाइएगा। सर देश तक पहुँच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात, असीम बकार जी प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा, बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए सुनिए, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां होंगी, आप दे दीजिए 5 साल में, आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए, आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो 35 रुपए में बेच दीजिए, आपने 300 सिलेंडर की बात की थी आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस पार्टी के नाम में, जिस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हो, आप सोचिए उसकी सोच क्या हो। जिस पार्टी में विश्व हिंदू परिषद हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें बजरंग दल हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें शिवसेना हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी हो बीजेपी के साथ, मुसलमान से नफरत। चलिए खुद चार चार लिए बैठे हैं। देखिए प्लीज, हाँ मेरी बात, मेरी ये वो चूहे हैं जो देश खा जाएंगे, इन चूहों को निकालिए और पकड़िए, असली दुश्मन है ये देश के जो चूहे हैं आपके। जब बेइज्जती है भाई भी हम ही में से एक हैं, ये अलग बात है। आज ये असीम वकार हैं तो आज ये इमामे हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है, मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूँ। A few moments later, संबित पात्रा की जवाब बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली, उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली, ये गलती से संबित पात्रा हो गए। जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपनी 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लगा लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर नहीं। तो ये वाह क्या सीन है, मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर है, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। यहाँ और
वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। What kind of a joke is this? Okay. एक बात सर बता दूं, इन्हें बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्हें पढ़ी नहीं, वो लाइन ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है।